हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था अभी, उसका रिजल्ट है वो 25 मई को जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट है वो चेक कर लिया है। तो एक सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में है, वो सिलेक्शन हो चुका है क्लास सिक्स में एडमिशन लेने के लिए। तो और उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जिनका जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट, जिनका सिलेक्शन है वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कि उनका जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, जो नवोदय विद्यालय समिति वो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करेगी। तो ये कम्प्लीट डिटेल, वो वेटिंग किन किन अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन है वो सेकेंड लिस्ट में हो सकता है, किस बिहा पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, कितने नंबर तक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। और वेटिंग लिस्ट है वो कब निकालेगी, जो नवोदय विद्यालय समिति है वो जो वेटिंग लिस्ट है वो कब निकालेगी, ये जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नवोदय विद्यालय समिति के थ्रू नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो क्लास सिक्स का जो रिज़ल्ट है वो 25 मई को आ चुका था। तो ये मैसेज जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो मैसेज है कॉन्ग्रेचुलेसन का जो मैसेज जिन जिन अभ्यर्थियों को आया है उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए हो चुका है, कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी भी नवोदय विद्यालय से आपका जो क्लास सिक्स में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक मैसेज और, ये तो उन स्टूडेंट्स का मैसेज आया था जो क्लास जो क्लास सिक्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी जिन्होंने पास की है उनके पास ये मैसेज आया था। और जो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो फेल हो गए थे, जिनका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, रोल नंबर नाम वगैरह नहीं है, तो उनके पास ये मैसेज आया था कि दिस रोल नंबर डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट, सेकंड लिस्ट विल बी रिलीज्ड ओनली इन केस ऑफ वैकेंसी रिमेनिंग। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जिनके पास ये मैसेज शो हुआ है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूँ कि जो नवोदय विद्यालय समिति है वो सेकेंड लिस्ट है वो जारी करेगी, तो बहुत सारी सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं, वो सीटी किस केस में खाली रह जाती है, कितने नंबर तक है वो आपका जो सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो सकता है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सपोज़ किसी विद्यालय के अंदर 100 सीटें थी और आपकी जो मेरिट गई थी वो 75 थी, तो 75 से ऊपर वालों को सबका जो सिलेक्शन है वो हो चुका। तो अगर किसी विद्यालय के अंदर नवोदय विद्यालय के अंदर 100 सीटें थी तो उसके अंदर 75 या 80 सीटें भर जाती हैं, तो रिमेनिंग जो 15-20 सीटें थी उनके लिए वो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट वो रिलीज़ करेंगे। सीटें तो खाली रहेंगी स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ सीटें खाली रहेंगी। वो किस केस में रहती हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी एज भी नहीं हुई थी, जो अभी क्लास सिक्स में एडमिशन लेने के इच्छुक नहीं थे, या जो भी क्लास फिफ्थ में ही थे उन्होंने भी अपना जो फॉर्म में करेक्शन करके, जैसे एज आगे करके अब जो फॉर्म उन्होंने भर दिया था, तो वो एडमिशन अभी ले नहीं सकते। तो उस केस में उनका सिलेक्शन भी हो गया लेकिन वो एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि उनकी एज वगैरह नहीं हुई है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म फिलअप करते समय गलतियां कर दी थी, तो वो सीटें भी खाली रहेंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड लिस्ट है वो नवोदय विद्यालय जल्द ही जारी करेगा। तो इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताऊँगा कि जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी कब तक कर सकता है। नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स वेटिंग लिस्ट, जैसे कि आपको बता दूँ कि रिजल्ट है वो 25 मई को रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और एक न्यूज़ हो रहा है कि क्लास सिक्स कि जो सेटिंग सेकंड लिस्ट है या फिर वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, तो आपको बता दूं दोस्तों कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर जो नवोदय विद्यालय समिति है वो इसकी वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट, जिसको अपन बोलेंगे फर्स्ट लिस्ट, वो जारी हो चुकी है। सेकेंड लिस्ट वो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगी। तो आप अपना रोल नंबर या रजिस्टर्ड नंबर से अपना रिजल्ट वो चेक कर सकते हैं। और जैसे सेकेंड लिस्ट जारी होगी तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपके पास मैसेज भी आ जाएगा और मैं भी वीडियो बना दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे सेकंड लिस्ट रिलीज़ होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों आप अपना जो रिज़ल्ट है, कुछ एक अभ्यर्थी का अभी भी मैसेज आ रहा है कि सर हमारा जो रोल रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि साइट है वो सर्वर, उसका सर्वर अभी बिजी चल रहा है। तो ये जो साइट है navsadmissionclass6.in, इस साइट से आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है navoday.gov.in, यहाँ से आप अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हैं। और सेकंड लिस्ट
की अगर हम बात करें तो सेकंड लिस्ट भी इसी साइट पे आपको मिलेगी कि जो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे वो भी इसी साइट पे, नवोदय विद्यालय समिति इसी साइट पे निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जैसे ही जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से क्लास सिक्स में एडमिशन लेने के लिए, सेकंड लिस्ट ले लो, थर्ड लिस्ट ले लो, चाहे वेटिंग लिस्ट, जो भी आएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से, तो आपको वो वीडियो के थ्रू मैं बना बना के आपको कंप्लीट डिटेल वो दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।